रावण के पुष्पक विमान की शक्तियों के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। हमने रामायण में रावण के पुष्पक विमान के बारे में बहुत सी कथाओं में सुना है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण का पुष्पक विमान आज की आधुनिक तकनीक वाले विमान की तरह ही था, बल्कि यह कहा जाए कि कई गुना आगे की तकनीक थी। रामायण में लिखा है, रावण ने माता सीता का अपहरण करके पुष्पक विमान में लंका लेकर गया था। वाल्मीकि की रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि पंचवटी आश्रम में माता सीता का हरण करके रावण पुष्पक विमान से लंका की ओर उड़ गया था। रास्ते में जटायु ने माता सीता को बचाने की कोशिश की और पुष्पक विमान में सवार रावण पर हमले किए, लेकिन रावण की ताकत के आगे मजबूर वे माता सीता को बचा नहीं सका। रावण हवाई मार्ग से पलक झपकते ही माता सीता को लेकर अपने सोने की नगरी लंका पहुंच गया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान के तरह ही था। पुष्पक विमान के रावण हवाई मार्ग से सफर किया करता था। रावण को मौत के घाट उतारने के बाद उसी विमान से भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे थे। रामायण में जिस तरीके से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, उससे तो यही लगता है कि ये आज की हवाई जहाज की तरह ही था, लेकिन तकनीक के मामले में मानव एरोप्लेन से कहीं आगे था। रावण के पुष्पक विमान की तरह रावण के पास कई लड़ाकू विमान थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुष्पक विमान को विश्वकर्मा ने बनाया था और इसे उपहार स्वरूप उन्होंने ब्रह्मा को सौंप दिया था। कुछ कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान को ब्रह्मा ने ही बनाया था। ब्रह्मा ने यह विमान कुबेर को भेंट कर दिया था, तब अपनी ताकत के बल पर रावण ने इस विमान को कुबेर से छीन लिया। उसके बाद रावण अपनी इच्छा अनुसार इसका उपयोग करने लगा। पुष्पक विमान की वजह से ही रावण की सैन्य शक्ति में इजाफा हुआ था। दोस्तों, रावण के पुष्पक विमान में बहुत सी खासियत थी। यह पुष्पक विमान कई खूबियों से लैस एक लड़ाकू विमान था। रामायण के सुंदर कांड के सप्तम अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी। यह अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता था। इसकी तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार छोटा और बड़ा किया जा सकता था। साथ ही इस पुष्पक विमान को लेकर यह भी कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को साथ लेकर इस विमान से उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था। यह मन की गति से उड़ान भर सकता था, यानी कि दोस्तों सोचने भर से ही वो इच्छित जगह पर पहुंचा देता था। ये सारी दिशाओं में उड़ान भर सकता था। ये सभी मौसम में उड़ान भरने योग्य वातानुकूलित विमान था। इस विमान में खंबे लगे थे, इसकी सीढ़ियों पर कीमती रतन जड़े थे, इसमें कई कैबिन बने थे। विमान में नीलम से बना एक सिंहासन मौजूद था। विमान में बैठने के लिए कई आसन बने थे। विमान कई प्रकार के चित्रों और जालियों से सुसज्जित था। पुष्पक विमान दिन के साथ रात में भी उड़ान भरने के योग्य था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पुष्पक विमान मंत्रों के जरिए सिद्ध था। विमान का चालक जब उन मंत्रों का जाप करता, तभी वो उड़ान भर पाता। यह एक तरह से रिमोट से संचालित विमान की तरह था। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुष्पक विमान एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों तक की यात्रा करने में सक्षम था, यानी कि यह एक तरह का अंतरिक्ष यान था। पूरा विमान सोने का बना था। भगवान राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय पाई थी, तब युद्ध के बाद भगवान राम ने विमान का पूजन कर यह दिव्य विमान वापस कुबेर को सौंप दिया था। कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप भगवान राम को ही दे दिया, जिसके बाद पुष्पक विमान से भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुँचे। दोस्तों, पुष्पक विमान को लेकर दूसरी कथा भी सुनने को मिलती है कि कहा जाता है कि प्राचीन काल में उन्नत तकनीक वाले विमानों के बारे में पता चलता है। स्कंद पुराण के खंड 3:23 में इसका उल्लेख मिलता है। उसमें लिखा है कि ऋषि कंदराव ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए एक विमान बनाया था। इस विमान के जरिए कहीं भी आया जाया जा सकता था। ऋषि कंदराव के बनाए इस विमान में पुष्पक विमान जैसी खूबियाँ थी। ऋग्वेद के 36वें युक्त में एक विमान का जिक्र मिलता है। पंडित मधुसूदन सरस्वती ने इंद्र विजय नाम के ग्रंथ में लिखा है कि ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है कि प्राचीन काल में ऋषियों ने तीन पहिए वाले एक एक रथ का निर्माण किया था।
यह रथ अंतरिक्ष में भी उड़ान भर सकता था। रामायण में मेघनाद के उड़ने वाले रथ का भी प्रयोग करने की भी जानकारी मिलती है। जी हाँ, ईसा पूर्व की शताब्दी में महर्षि भारद्वाज बकायदा वैमानिकी की शास्त्र लिखी थी, जिसमें अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले विमान बनाने की जानकारी मिलती है। महर्षि भारद्वाज ने जिस तरह इस विमान की जानकारी दी थी, वे आज के विमान के तकनीक से कहीं आगे थे।